के जेएस स्टडी के अंदर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम इस वीडियो में प्रधान शिक्षक परीक्षा में पूछे जाने वाले डीएलएड से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पहला चैप्टर है, चैप्टर में शिक्षा एवं मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन रहेगा, एजुकेशन एंड साइकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है, यानी शिक्षा एवं मनोविज्ञान। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है, पहला है शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो यह सी आंसर, यह स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया। क्या कहा गया है? स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया है कि शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है। अगला है, इसका व्याख्या दिया हुआ है, इसका व्याख्या है कि शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है, यह महत्वपूर्ण कथन स्वामी विवेकानंद जी का है। स्वामी जी सैद्धांतिक शिक्षा के पक्ष में नहीं थे, वे व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष के लिए व्यक्ति के लिए उपयोगी मानते थे। अगला है, सेकंड क्वेश्चन है, शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, यह परिभाषा किसने दी? तो इसका आंसर भी सी हो जाएगा, यानी स्वामी विवेकानंद। फिर अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है, आंसर डी है। तो किस प्रकार प्रक्रिया है? बालक में विद्यमान पूर्णता के व्यक्ति की प्रक्रिया है। विवेकानंद के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है बालक में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति की। अगला है, शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों के समन्वय पर किसने बहुत अधिक बल दिया? तो डीवी ने बहुत अधिक बल दिया। शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों को के समन्वय पर किसने बहुत अधिक बल दिया? तो डीवी ने। फिर अगला क्वेश्चन, इसका व्याख्या है, शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों के समन्वय पर जॉन डीवी ने बहुत अधिक बल दिया है। डीवी के अनुसार शिक्षा व्यक्ति में उन क्षमताओं का विकास है, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा व्यक्ति में उन क्षमताओं का विकास है जो उसको अपने वातावरण को नियंत्रित तथा अपनी भावी समस्याओं को हल करने योग्य बनाती है। अगला है, शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है, किसने कहा था? तो टीपी नन ने कहा था। तो यह टीपी नन ने क्या कहा? तो शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है। अगला, फिर इसका व्याख्या है कि टीपी नन के अनुसार शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है। आगे है, किसने कहा था, शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालक की आंतरिक शक्तियों को बेहतर बनाती है। तो फ्रोवेल ने कहा था। अगला है, इसका व्याख्या है कि जर्मन शिक्षा शास्त्री पेस्टोलॉजी के शिष्य थे। फ्रोवेल किसके शिष्य थे? पेस्टोलॉजी के शिष्य थे। तो जर्मन शिक्षा शास्त्री पेस्टोलॉजी के शिष्य फ्रोवेल के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालक की आंतरिक शक्तियों को बेहतर बनाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, किसका कथन है शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है? किसने कहा है कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है? तो एडम्स का कथन है। अगला है, इसका व्याख्या है कि एडम्स के अनुसार शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। फिर है, किसने कहा सामाजिक एवं व्यक्तिक शक्तियों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है? तो क्या किसने कहा? कमेनियस ने कहा। अगला है, कमेनियस के अनुसार सामाजिक एवं व्यक्तिक शक्तियों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, व्यक्ति का विकास करना। शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य है व्यक्ति का विकास करना। शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया है जिसका आधारभूत उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। फिर है, किसने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है? तो वाटसन ने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। इसका व्याख्या है कि मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन के विज्ञान के रूप में सर्वप्रथम जेपी वाटसन ने परिभाषित किया था। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। फिर अगला है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, यह किसने कहा था? तो यह क्या कोलसनिक ने कहा
कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। अगला है इसका व्याख्या में कोलसेनी के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। फिर है सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया, तो आत्मा का अध्ययन, मनोविज्ञान का सर्वप्रथम आत्मा का अध्ययन के विज्ञान कहा गया। इसमें क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया, तो शुरू शुरू में उसको आत्मा का अध्ययन का विज्ञान कहा गया था। अगला है इसका व्याख्या में सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया था। प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे आदि यूनानी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया। फिर है अगला है मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा की परित्याग किया। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन को और फिर अपनी चेतना को। वह अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोय है, यह कथन था। यह किसने, ये पूरी बात किसने कहा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, इसको वुडवर्थ ने कहा। वुडवर्थ ने क्या कहा कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन को और फिर अपनी चेतना को। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार की को संजोय है, यह कथन था। किसका, वुडवर्थ का कथन था। इसका व्याख्या है उपयुक्त कथन मनोविज्ञान के क्रमिक विकास पर आधारित अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रसिद्ध मनोविज्ञान आर एस वुडवर्थ ने दिया था। अगला क्वेश्चन है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के आधार, मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी, तो मैक्स वर्थिमर ने रखी थी। फिर है इसका व्याख्या है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला जर्मन के मनोवैज्ञानिक मैक्स वर्थिमर द्वारा रखी गई थी। इस सिद्धांत के मुख्य बल व्यवहार में संपूर्णता के अध्ययन पर है। अगला है संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे, तो संरचनावाद के प्रवर्तक बुंट थे। इसका व्याख्या है मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक विलियम बुंट नामक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिकशाला स्थापित किया था। विश्व के प्रथम मनोवैज्ञानिकशाला स्थापित किसने किया, तो विलियम बुंट ने। फिर आगे है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया, तो अभी देखे थे विलियम बुंट यानी डब्ल्यू बुंट। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया, तो डब्ल्यू बुंट यानी विलियम बुंट ने। फिर इसका कुछ है व्याख्या है विलियम बुंट ने वर्ष 1879 में मन का व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करने के उद्देश्य से जर्मनी के लिपजिग में विश्व की प्रथम मनोविज्ञानशाला स्थापित किया था, तथा मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान का स्थान दिलाया। इसलिए विलियम बुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला है प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला के संस्थापक कौन थे, तो वही बुंट, विलियम बुंट थे। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो इलाहाबाद में। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। वर्ष 1954 में इलाहाबाद, अब जिसका अब नाम प्रयागराज पड़ गया है, में मनोविज्ञानशाला की स्थापना की गई। कब, 1954 में। इसके बाद कुछ क्वेश्चन प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि से है, यानी बैकग्राउंड ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि से कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली का उद्देश्य क्या रहा है, तो समानता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना। शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली का क्या उद्देश्य रहा, तो समानता और उत्कृष्टता के को बढ़ावा देना। इसका व्याख्या है शिक्षा के गुरुकुल प्रणाली प्राचीन भारतीय शिक्षा की प्रमुख विशेषता रही है। इस प्रणाली में सभी छात्रों को एक साथ समायोजित कर समानता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय में मुख्यतः विद्वानों के लेखन के माध्यम से तिब्बत की सांस्कृतिक और सभ्यता का निर्माण हुआ था, तो वह विक्रमशिला में। फिर इसका व्याख्या है विक्रमशिला विश्वविद्यालय और बौद्ध धर्म का प्रमुख शिक्षा केंद्र रहा है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है बौद्ध धर्म का प्रमुख शिक्षा केंद्र रहा है। मुख्यतः इसी विश्वविद्यालय के विद्वानों के लेखन के माध्यम से तिब्बत की संस्कृति और सभ्यता का निर्माण हुआ था। इसका अगला है क्वेश्चन है वैदिक काल की प्रमुख बुद्धिशु महिलाएं कौन थी, तो गार्गी थी, मैत्रीय थी
और विश्वम्भरा थी, अपाला थी, लेकिन संघमित्रा नहीं थी। संघमित्रा जो थी वो बौद्ध धर्म प्रचारक थी जो अशोक के पुत्री थी। तो इसका ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, डी हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी ई हो जाएगा, सी नहीं होगा। तो इसमें सी छोड़ करके बाकी सभी हो जाएगा, यानी सी आंसर ए हो जाएगा, ए बी डी ई, सी इसमें नहीं होगा, संघमित्रा नहीं थी। है इसका व्याख्या है, वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली को गुरुकुल शिक्षा प्रणाली भी कहा जाता था जाता है। इस समय की प्रमुख विदुषी महिलाएं कौन कौन महिला थी विदुषी, तो गार्गी थी, मैत्रीय थी, विश्वम्भरा थी, विश्वम्भरा अपाला थी, लोपामुद्रा आदि थी। अगला है, बौद्ध धर्म में शिक्षा आरम्भ करने के संस्कार को कहा जाता है, क्या कहता है, पवज्जा कहता है, पवज्जा, पवज्जा। बौद्ध धर्म में शिक्षा आरंभ करने के संस्कार को कहा जाता है पवज्जा, पवज्जा। बौद्ध धर्म में शिक्षा आरंभ करने के संस्कार को पवज्जा या प्रवज्जा संस्कार कहा जाता है। विनय पिटक के अनुसार प्रवज्जा यानी पवज्जा संस्कार को छात्र अपना सिर मुंडवाकर नए पीले वस्त्र धारण करके मठ के सबसे बड़े भिक्षु यानी उपाध्याय या उपाध्याय के चरणों में अपना माथा टेक कर शरण त्रय लेता था। अगला है, बौद्ध शिक्षा आरंभ करने का संस्कार है कौन है, तो उपसंपदा है, उपसंपदा। बौद्ध शिक्षा प्रारंभ करने का संस्कार को क्या कहते हैं, तो उपसंपदा कहते हैं। बौद्ध धर्म में उस शिक्षा की समाप्ति के बाद कुछ छात्र गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे, जबकि कुछ छात्र भिक्षु शिक्षा में प्रवेश करते थे, जिसके लिए उन्हें परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती थी। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद सामनेर को 10 प्रतिज्ञाओं के अतिरिक्त 8 प्रतिज्ञा लेनी होती थी, तब उसे भिक्षु शिक्षा में प्रवेश मिलता था। इसे उपसंपदा संस्कार कहा जाता था। मकतब का संबंध किससे है, का संबंध है तो प्राथमिक शिक्षा से, मकतब का संबंध है प्राथमिक शिक्षा से। मकतब अरबी भाषा के कुतुब से बना है, जिसका अर्थ होता है उसने लिखा। अतः मकतब वह स्थान था जहाँ पढ़ना लिखना सिखाया जाता था। मकतब प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे जो किसी न किसी मस्जिद से संबंध थे तथा एक शिक्षीय होते थे। इसका शिक्षा में अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत की अवधारणा दी गई थी किसके द्वारा, शिक्षा में अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत की किसके द्वारा दिया गया, तो ये दिया गया विलियम मैकाले के द्वारा दिया गया। शिक्षा में अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत की अवधारणा लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया। इसका है व्याख्या में, मैकाले ने अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए कहा कि जन समूह में शिक्षा उच्च वर्ग से छन कर पहुँचे, बूंद बूंद करके लाभदायक शिक्षा नीचे की ओर बहे, जिससे कि कुछ समय में चौड़ी व विशाल धारा में बदलकर सूखे क्षेत्रों को सिंचित करे। अगला क्वेश्चन, नीचे की ओर निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक थे, तो अभी देखिए लॉर्ड मैकाले ने निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादन किया था। निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने भारत की स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के सभी स्तरों पर ध्यान दिया, तो कोठारी आयोग ने, कोठारी आयोग ने शिक्षा के सभी स्तरों पर ध्यान दिया था। वर्ष 1964 में भारत की केंद्रीय सरकार द्वारा डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा प्रणाली को नया आकार एवं दिशा देने के उद्देश्य से कोठारी शिक्षा आयोग का गठन किया गया, जिसने राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा उपशीर्षक से वर्ष 1966 में अपनी रिपोर्ट दी। यह आयोग माध्यमिक शिक्षा पर प्रमुख रूप से केंद्रित था तथा इनसे विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा तथा स्त्री शिक्षा आदि शिक्षा के सभी स्तरों पर ध्यान दिया इसने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शिक्षा आयोग की रिपोर्ट पर उपशीर्षक राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा दिए गया था, राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा दिया गया था, तो यह कोठारी आयोग द्वारा। अगला है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से कौन सी समिति आयोग की रिपोर्ट भारत में शिक्षा के सभी स्तरों पर विकास से संबंधित है, तो है कोठारी आयोग रिपोर्ट। फिर अगला है, भारत में 10+2+3 शैक्षणिक संरचना की स्थापना का सुझाव दिया किसने दिया, तो कोठारी आयोग ने दिया था। भारत में 10+2+3 शैक्षिक संरचना की स्थापना का सुझाव कोठारी आयोग ने 1964 से 1966 में दिया था। इसके बाद आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई, तो 1857 ईस्वी में हुई। आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई, तो 1857 में।
आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी में हुई। वस्तुतः 1857 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय के स्थापित हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1857 के दौरान स्थापित होने वाले प्रथम तीन विश्वविद्यालयों में से नहीं थे? तो दिल्ली नहीं था, बाकी कलकत्ता था, मद्रास, बम्बई था, मद्रास था, लेकिन दिल्ली नहीं हुआ था। अगला है, कौन से भारतीय शिक्षा आयोग ने सबसे पहले प्रतिभा पलायन की समस्या पर ध्यान दिया? प्रतिभा पलायन की समस्या पर ध्यान किसने दिया था? पर भारतीय शिक्षा आयोग ने दिया था। सर्वप्रथम प्रतिभा पलायन की ओर ध्यान भारतीय शिक्षा आयोग ने दिया था। अगला है, भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय या अवरोधन पर विचार किया? तो किसने किया? तो हार्टोंग समिति ने, हार्टोंग समिति ने। यानी भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया? तो हार्टोंग समिति ने। भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम हार्टोंग समिति 1929 में अपव्यय एवं अपरोधन पर विचार किया तथा व्यवस्थित अध्ययन किया था। अगला है, अपव्यय एवं अवरोधन का प्रथम व्यवस्थित अध्ययन किसने किया? तो वही हार्टोंग समिति ने किया। फिर प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन का अध्ययन किसने किया? तो वही हार्टोंग समिति द्वारा किया गया। फिर बुड का घोषणा पत्र जारी हुआ था कब? तो 1854 ईस्वी में। बुड का घोषणा पत्र 1854 में जारी हुआ था। बुड का घोषणा पत्र 1854 में जारी हुआ था। 1800 अनुच्छेदों वाले इस विस्तृत घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र भी कहा जाता है। हंटर आयोग की मुख्य अनुशंसा थी क्या थी? संपूर्ण देश में मार्शल नॉर्मल स्कूलों की स्थापना करना। हंटर आयोग की मुख्य अनुशंसा क्या थी? तो संपूर्ण देश में नॉर्मल स्कूलों की स्थापना करना। हंटर आयोग की मुख्य अनुशंसा संपूर्ण देश में नॉर्मल स्कूलों की स्थापना करना थी। वर्धा शिक्षा सम्मेलन हुआ था कब? हुआ था वर्धा शिक्षा सम्मेलन हुआ था 1937 ईस्वी में। अक्टूबर 1937 को वर्धा में वर्धा शिक्षा सम्मेलन हुआ जिसमें बेसिक शिक्षा की आधारशिला रखी गई। वर्धा योजना में मूल रूप से गांधी जी के विचार थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इस योजना का प्रारूप तैयार किया था। गांधी जी ने किस वर्ष में राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा योजना प्रस्तुत की थी? तो 1937 में। गांधी जी ने वर्ष 1937 में राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा योजना प्रस्तुत की थी। बुनियादी शिक्षा, बालिकाओं की शिक्षा के संबंध में गठित प्रथम समिति निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो अतः हंसा मेहता समिति। बालिकाओं की शिक्षा के संबंध में गठित प्रथम समिति कौन सी थी? तो हंसा मेहता समिति थी। 1 नवंबर 1961 को श्री राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की अध्यक्ष श्रीमती द्राक्षा शरण ने श्रीमती हंसा मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठन किया जिसका उद्देश्य महिला शिक्षा की समस्याओं पर विचार विमर्श करना था। इस समिति को हंसा मेहता समिति के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, गोखले बिल संबंधित किससे थे? गोखले बिल किससे संबंधित है? तो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। गोखले बिल प्राथमिक शिक्षा संबंधित है। गोखले बिल अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। इसके बाद है, यशपाल समिति के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक छात्र अनुपात होना चाहिए कितना? तो 1:30, एक शिक्षक पर 30 विद्यार्थी चाहिए। यशपाल समिति के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक छात्र का अनुपात होना चाहिए यानी शिक्षक 1 और छात्र 30 होना चाहिए। यशपाल समिति की रिपोर्ट के अनुसार पर प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक छात्र अनुपात 1:40 से घटाकर 1:30 किया गया। तो इस तरह से प्रधान शिक्षक परीक्षा में पूछे जाने वाले DLS से संबंधित क्वेश्चन को, महत्वपूर्ण क्वेश्चन को यहाँ देखे हैं। फिर इससे आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।